मेरा नाम रमेंद्र प्रसाद है। आई वॉज बॉर्न इन पटना बिहार, बट मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ क्योंकि मेरे फादर एक IPS ऑफिसर है महाराष्ट्र काडर के। और ये बताने मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरा रैंक है 181, मुझे भी IPS मिलेगा। तो जस्ट लाइक माई फादर, मैं भी IPS बनूंगा, तो ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरी मदर ने भी UPSC एग्ज़ाम दिया था, उनको इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री सर्विस मिली थी अपने टाइम पे, उन्होंने 7-8 साल काम किया था वहाँ पे भी। तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा UPSC का है। और मैंने IIT खड़गपुर से ग्रेजुएशन किया था, और फिर मेरी एक जॉब लगी थी प्राइवेट सेक्टर में मुंबई में, तो काफ़ी अच्छी जॉब थी, 18 लाख पर एनम की। फिर साल मैंने जॉब किया और फिर मैं UPSC के लिए लग गया। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, काफ़ी लंबी जर्नी रही है। तो मेरा प्रीलिम्स हमेशा क्लियर हो जाता था, बट मेंस में कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाने से मेरा मिस हो जाता था। बट इस बार भगवान की कृपा से मेरा मेंस क्लियर हो गया, मैं इंटरव्यू पहले इंटरव्यू तक गया और मेरा रैंक आ गया। सो ये मेरी जर्नी रही है। तो आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, एक बार किसको किसको पूछना रहेगा, तो मैं उस हिसाब से अपना सेशन को गाइड करूँगा। किसी को कुछ क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने हैं तो वो माइक पे भी ऑन करके पूछ सकते हैं। पूछिए पूछिए सुरेंद्र जी, पूछिए। बेसिक से कैसे शुरू करें? ठीक है, तो मैं पहले आप सबके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ रफ ओवरव्यू ऑफ योर अप्रोच फॉर सनसेट फर्स्ट? श्योर। तो मैं आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहता हूँ। क्या सब स्टूडेंट्स आपने UPSC के लिए सनसेट ऑप्शन लिया है? आप स्पेसिफिकली UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर कैसे आपने प्रीलिम्स दिया है, मेंस दिया है, किस किस तरह के स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ है? सर अच्छा, सब सब UPSC के लिए, ठीक है। स्टार्टअप प्रिपरेशन रिसेंटली, ओके नो प्रॉब्लम। तो प्रीलिम्स दिया था किसी ने यहाँ पे? अच्छा, चलेगा चलेगा। मैं इनका बेसिक से कैसे शुरू करें, ठीक है। तो मैं पहले ये बताता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत संस्कृत का आइडिया होना चाहिए, आपको संस्कृत लिखने पढ़ने अच्छे से आना चाहिए। तो जैसे कि मैं मेरे पहले अटेम्प्ट्स में ट्राई करता था कि मुझे उतनी अच्छी संस्कृत लिखने नहीं आती थी, तो मैं अटेम्प्ट करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं इंग्लिश में करूँ, 5 में से 2-3 तो मैं इंग्लिश में करूँ, और जो कंपलसरी से वही संस्कृत में कैसे कैसे करके पास कर जाऊँ। तो उस वक्त मेरे बहुत कम नंबर आते थे, मतलब 200-210 ऐसे आते थे। फिर धीरे धीरे मेरी संस्कृत इम्प्रूव हुई, तो 252, इस बार मेरे 294 मार्क्स आए हैं। तो पूरा क्रेडिट जाता है कि आप संस्कृत कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं, शुद्ध लिख पा रहे हैं आंसर्स में। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, एक बुक आती है आधुनिक संस्कृत अनुवाद, आधुनिक संस्कृत अनुवाद बाय मिस्टर उमाकांत शास्त्री। तो ये बुक ट्रांसलेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो इसमें आप जैसे एक चैप्टर दिया है, उसमें कुछ थियोरी है, जैसे शब्द रूप धातु रूप दिया है, फिर उसके बाद हर चैप्टर के एंड में 10-12 सेंटेंसेस है ट्रांसलेट करने के लिए, तो मैं उससे स्टार्ट करता था। तो किस वैसे वैसे करके पब्लिकेशन मैंने की बुक, सर? सॉरी आप सर ये देख किस लीजिए, पब्लिकेशन की? पब्लिकेशन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आप देख लीजिए, आधुनिक संस्कृत अनुवाद बाय उमा शंकर शास्त्री, उमाकांत ओके शास्त्री, सर। सॉरी। तो ये पहले मैं ये स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जब मेरी और संस्कृत हो गई, तो एक मैं क्या करता था, एक संस्कृत के एसेज आते हैं तो उसको मैं एक A4 साइज पेज पे संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेट करता था पूरा पेज, फिर उसके अगले ही पेज पे वापस हिंदी टू संस्कृत ट्रांसलेट करता था। तो ऐसे ऐसे मैं हर दिन प्रैक्टिस करता था, तो
मेरा हाथ खुल गया था, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये दोनों एक्सरसाइजेस करने के लिए। एक वो आधुनिक संस्कृत अनुवाद कीजिए आप बेसिक से, और उसके बाद आप खुद से हर दिन एक एक पेज ट्रांसलेट कीजिए संस्कृत टू हिंदी एंड देन अगेन बैक फ्रॉम हिंदी टू संस्कृत। तो ये हो गया संस्कृत प्रिपेयर करने के लिए। अभी यूपीएससी में संस्कृत ऑप्शन की जो बात आती है, तो मैं सबसे पहले अपने सोर्सेज बताना चाहूँगा। तो मेरा मेन सोर्स था जिसका नाम है संस्कृत साहित्य का इतिहास बाय ऋषि सर मिस्टर उमा शंकर शर्मा ऋषि सर। वो संस्कृत साहित्य का इतिहास एक ब्लू कलर की बुक आती है, तो उसमें संस्कृत ऑप्शनल का काफ़ी अच्छे से कवर्ड है। तो मैंने उसे नोट्स भी बनाए थे। तो कमिंग टू पेपर वन, पेपर वन में इम्पॉर्टेंट है ग्रामर। ग्रामर के लिए मैं रेफर करता था, एक बुक है जिसका नाम नौटियाल हंस है, नौटियाल हंस की एक ग्रामर की बुक आती है, वो मैंने रेफर की थी। वो सिद्धांत कौमुदी भी रेफर की थी, जो इत संज्ञक जो है, मतलब संज्ञा प्रकरण में वो मिसिंग रहते हैं बाकी बुक्स में, तो वो मैंने लघु सिद्धांत कौमुदी से भी देखा था। काफ़ी और सूत्र है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्रामर में फोकस कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र लर्न कर सकें। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए कि कोई सूत्र आपके स्टडी बुक से मिसिंग तो नहीं है, तो ऐसा आप पूरा सूत्र का कवरेज कीजिए। तो ग्रामर में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फुल नंबर पाने की कोशिश कीजिए, तो वहाँ पर बहुत स्कोरिंग हो सकता है। और फिर अभी मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था। जैसे कि मैंने बताया, मैं ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत में अटेम्प्ट करता था। तो पेपर वन में मेरा पहला क्वेश्चन रहा ग्रामर का, जिसमें मैं सारे सूत्र पढ़ के गया था, मैं कोशिश करता था कि फुल मार्क्स आए उसमें। फिर नंबर टू लिंग्विस्टिक्स का मैं अटेम्प्ट करता था, वो मैं इंग्लिश में लिखता था। फिर ऐसे जो 5 ऐसे होते हैं वो संस्कृत में लिखना होता है। फिर मैं फिलोसफी का एक क्वेश्चन करता था इंग्लिश में, और फिर मैं करता था अनसीन पैसेज। तो आई थिंक अनसीन पैसेज बहुत ही स्कोरिंग हो जाता है। अगर कोई सपोज फिलोसफी का क्वेश्चन है, उसमें सपोज आपके 20 मार्क्स आ सकते हैं, तो अनसीन पैसेज में 25 भी आ सकते हैं। तो आई थिंक संस्कृत में, अगर थोड़ी भी शुद्ध संस्कृत में आप लिख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली अटेम्प्ट कीजिए। इस बार लोगों ने बोला था कि पिछले बार का पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था, बट फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया था। आई थिंक आप शुद्ध संस्कृत में जितना भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ब्रॉड आउटलाइन भी आपने लिख दिया ना, तो वो अच्छा रहेगा। ये हो गया पेपर वन की बात। पेपर टू की बात, मैं अटेम्प्ट करता था जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, फिर मैं अटेम्प्ट करता था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि संस्कृत में लिखना होता है, और वो आई थिंक बहुत कम लोग अटेम्प्ट करते हैं, और आई थिंक दैट वाज माय प्लस पॉइंट, क्योंकि वो आंसर संस्कृत में लिखने होते हैं, तीन तीन क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कैसे लिखते हैं, मतलब या पॉइंट वाइज में लिखना है या पैरा वाइज में लिखना है। तो मैं पैराग्राफ वाइज में लिखता था, मैं जैसे और मैं हर पैराग्राफ के बाद कोशिश करता था कि एक छोटा सा कोई श्लोक डालने के लिए। तो जैसे कि गीत गोविंद के ऊपर अगर आ गया, उसमें बहुत सारे मेघ दूत के ऊपर, गीत गोविंद के ऊपर, ये 5 8 7 लिस्टेड टॉपिक्स है कि इसमें से ही पूछा जाएगा, तो आप हर एक इसके ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं, 5 6 श्लोक हर एक के याद कर सकते हैं। इसके गीत गोविंद पे पूछा जाता है कि क्या ये श्रृंगार मूलक है कि भक्ति मूलक है, तो मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता था। फिर मैं बताता था कि जयदेव ने खुद ही कहा है यदि हरि स्मरणे सरस मनो यदि विलास कलासु कुतूहलम, ऐसे करके मधुर कोमल वो शृणु जयदेव सरस्वती। तो ये मैं इंट्रोड्यूस करता था। फिर मैं बताता था कि नहीं, इसमें श्रृंगार भी है, तो श्रृंगार कैसे है, तो जैसे कि मैं एक दो श्लोक बताता था। और फिर मैं बताता था कि नहीं, ये भक्ति मूलक भी है, इसमें जैसे दश अवतार स्तोत्र है, इसमें इसका हिडन मीनिंग है कि असल में वो जीवात्मा और परमात्मा के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि न न करो नितंब निगमन अविलंबन, तो वो बता रही है कि अनुसर करो कृष्ण का, तो बता रही है जीवात्मा को कि आप परमात्मा से जाने जाके मिले। तो हर एक 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 पैरा लिखा उसका, एक एक श्लोक लिखा, फिर ऐसे करके मैं लिखता था क्वेश्चन नंबर 4। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, 5 तो कंपलसरी होता है, तो उसमें जैसे संस्कृत का अनुवाद करना होता है, संस्कृत के श्लोक दिए होते हैं। तो अगर मिलता है श्लोक, तो उसमें पहला लाइन में मैं लिखूंगा कि कौन से
कौन से बुक से है, कौन से ऑथर का है, कौन से सर्क से लिया गया है, वैसे लिखूंगा मैं। फिर दूसरे लाइन में मैं लिखता था कि इसका प्रसंग क्या है, मतलब क्या ये युधिष्ठिर वानेचर संवाद हो रहा है या हिमालय का वर्णन हो रहा है, ऐसे करके लिखता था। फिर थर्ड पैरा में मैं लिखता था जो इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग लिखता था मैं, कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि हिमालय में बाघ रहते हैं, फिर वो ऐसे जाते हैं, फिर वो वनेचर उनके मार के चिन्ह पता कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं लिटरल मीनिंग लिखता था। या फिर मतलब युधिष्ठिर वनेचर संवाद है तो फिर वो एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, वनेचर आके बताता है कि दुर्योधन का बहुत अच्छा चल रहा है राज्य, वो बहुत सुशासन कर रहा है अपने पूरे ये आदतें छोड़कर। फिर उसके बाद एक पैरा में लिखता था कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, वो क्या एक्चुअली और बताना क्या चाह रहा है। तो जैसे कि किरात अर्जुनीयम में बोलते हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, तो इसका हिडन मीनिंग ये है कि यूजुअली जो राजा लोग रहते हैं उनके आजू बाजू बहुत चाटुकार लोग रहते हैं जिनको बोलते हैं हम यस मैन, तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही बोलते हैं उनको, तो इससे वो राजा को कभी सही एडवाइस नहीं मिल पाती। तो मैं ऐसे लिखता था कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मैं उसमें भी एक श्लोक कहीं ना कहीं से ऐड करने की कोशिश करता था, या तो अपने सिलेबस से या कहीं बाहर से। तो जैसे कि उसमें मैं लिखता था कि महाभारत में भी कहा गया है, ऐसा ही भाव प्रकट किया गया है, तो मैं वहाँ पे महाभारत का भी श्लोक डाल देता था। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। तो कि मतलब अप्रिय सुनने वाले और बोलने वाले दोनों कम है, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद एक लाइन में लिखता था साहित्य टिप्पणी, कि मतलब कौन सी रीति है, कौन सा छंद है, ये सब। फिर एक लाइन में लिखता था ग्रामर का, कि उसमें कुछ संधि है, समास है, कुछ ऐसा है, तो ऐसे करके मैं ट्रांसलेट वाले कहता था, तो श्लोक का क्या करता था। तो क्वेश्चन 5 हो गया, उसके बाद मैं क्वेश्चन 6 करता था, ये भी संस्कृत में लिखना होता है, और इसमें पूछा जाता है रामायण भगवद गीता इन सब के ऊपर। तो इन सब पे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन लिखा, कहाँ से लिखा है, फिर लिखा प्रसंग क्या है, फिर उसका लिटरल मीनिंग लिखा, फिर उसका आप डीप मीनिंग चाहिए कि जीवात्मा के बारे में क्या बोला जा रहा है, परमात्मा के बारे में क्या बोला जा रहा है, कि अजर अमर है, ऐसा शाश्वत है, ऐसा ऐसा है। और आप कहीं और से भी श्लोक डाल सकते हैं, ईशावास्योपनिषद के श्लोक डाल सकते हैं, भगवद गीता के श्लोक डाल लिंक करके आप डाल सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा कहा गया है, शंकराचार्य ने भी ऐसा कहा है, कुछ कुछ भी आप थोड़ा डीप में लिंक करके डाल सकते हैं। उसके बाद ये 2, 5 और 6 हो गया। इसके बाद मैं करता था जो भर्तृहरि वाला श्लोक है, आई थिंक 7, 7 होगा वो, तो वो तो इंग्लिश में लिखना होता है, तो आई थिंक आई एम कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश। तो वैसे ही मतलब इंट्रो इंट्रो लिखा, फिर बीच में लिटिल मीनिंग लिखा, फिर डीप मीनिंग, ऐसा करके कुछ लिखा। तो ये मेरा अप्रोच होता था। और नोट्स जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऋषि सर की बुक से नोट्स बनाए थे, और संस्कृत साहित्य का इतिहास उससे नोट्स बनाए थे, ग्रामर के थोड़े अलग नोट्स बनाए थे। तो आई थिंक दैट वॉज माई प्रिपरेशन इन अ नटशेल। किसी को और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने बारे में बात करूँगा, टेस्ट कॉपीज, हाँ मेरे टेस्ट कॉपीज सर के पास अवेलेबल है, राजेंद्र सर के पास, आप उनसे ले सकते हैं प्लीज़। टेस्ट सीरीज आप एक दो जगह से लगा, कहीं से भी आपको अच्छे टीचर मिले आप लगा सकते हैं, राजेंद्र सर की भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। सर आर एनसीईआरटी 6 to 12 संस्कृत, नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, जो मैंने सोर्सेज बोले लिमिटेड सोर्सेज वही सोर्सेज पढ़े थे। और जैसे कि जो श्लोक व्याख्या के लिए है, मेरे पास हर एक के लिए उसकी अलग अलग बुकलेट थी, वो मैंने पढ़ी थी, जैसे किरात अर्जुनियम, रघुवंशम, कुमार संगम, उसकी छोटी छोटी बुकलेट आती है संस्कृत में, और उसका संस्कृत टू हिंदी अनुवाद, तो वो मैंने श्लोक व्याख्या के लिए इंडिविजुअल उसकी भी पढ़ी थी। यही मेरे सोर्सेस थे बस, आई थिंक एनसीईआरटी वगैरह की जरूरत नहीं है। आपको हाथ खोलना है या फिर आपको संस्कृत सीखना है तो आप रेफर कर सकते हैं, बट मैंने तो नहीं करा था क्योंकि मेरा वैसे ही प्रैक्टिस हो गई थी। जो आप श्लोक व्याख्या के लिए जो बुकलेट यूज करते थे वो किस पब्लिकेशन की होती है सर, उसके बारे में कुछ क्लियर करना। देखिए आप बुक स्टोर पे जाइए, उसका कोई पब्लिकेशन नहीं है, आप सपोज पब्लिकेशन ए, पब्लिकेशन बी, आप कोई सा भी उठाइए, आपको जो भी सुलभ लग रहा है, आपको जो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप वो उठाइए, क्योंकि जितने भी हमारे 10-12 लिटरेचर के बुक्स है सबकी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होगी। यस डेफिनेटली,
आप जितने ज्यादा से ज्यादा आंसर संस्कृत में लिख सकते हो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा। ये तो मैंने ओवर द ईयर सीखा, मैंने 4 बार मेंस दिया था, तो शुरू शुरू में बहुत कम आंसर संस्कृत में लिखता था, ज्यादातर इंग्लिश में लिखता था। बाद में मैंने बढ़ाने की कोशिश की कि मैं ज्यादा से ज्यादा संस्कृत वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, तो वहां से हेल्प होता है। बट जो ये वाले क्वेश्चन है, फिलोसफी हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया पेपर वन में, वो तो इंग्लिश में ही मैं करता था, वही कंफर्टेबल है। तो मुझे सबसे पहले पूछा था कि मैंने कैन वी ऑप्ट फॉर संस्कृत इफ स्टडी टिल 8th क्लास, तो मैं बोलूँगा कि आपकी स्कूल में थोड़ी बहुत संस्कृत हो, आपकी हिंदी अच्छी हो, संस्कृत अच्छी हो, आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए। मैंने बोला ये आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोचिंग के कोई सर हो सकते हैं। तो जैसे मेरे लिए मेरे फादर थे, मेरे से पहले जैसे मिस्टर शशांक त्रिपाठी थे, वो भी IAS है, उनका रैंक 5 आया था, उनके भी शायद फादर ने उनको हेल्प की थी संस्कृत में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको लगना पड़ेगा किसी के साथ हर दिन दिखाने के लिए कि सर मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, ऐसे करके। तो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल। नहीं, मैं फिलोसफी और लिंग्विस्टिक्स और फिलोसफी तो मैं इंग्लिश में ही लिखता था, प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए मतलब क्या आप ये पूछ रहे हैं कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी संस्कृत में करना चाहिए, इज दैट योर क्वेश्चन मिस्टर? टेक्निकल वर्ड्स? नहीं, ऐसा कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं होते हैं, मतलब एक सेकेंड। पहले मैं मिस्टर पी गौरव का क्वेश्चन आंसर कर लेता हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि सारे क्वेश्चन इंग्लिश में या संस्कृत में आंसर करने चाहिए, इंग्लिश में अगर लिखे तो टेक्निकल वर्ड्स की प्रॉब्लम तो नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब आप सर से पूछ सकते हैं कि ये जो संस्कृत वर्ड है इसका टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में क्या है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है प्रॉब्लम। देखिए जो मेरे फादर थे ना, उन्होंने उनका भी संस्कृत ऑप्शन था अपने टाइम, जब उन्होंने UPSC दिया था, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने सारे क्वेश्चन संस्कृत में ही लिखे थे, जो पांचों के पांचों। तो अगर आपकी इतनी फास्ट राइटिंग स्पीड है, अगर आप इतने हैं, तो आप सब लिख भी सकते हैं ये। बट मेरे फादर के टाइम से अभी काफ़ी ऑप्शन चेंज हो चुका है, तो मैंने तो अटेम्प्ट किया था 2-3 संस्कृत में और 1-2 इंग्लिश में। तो पेपर वन में मेरा लिंग्विस्टिक्स का और फिलोसफी का इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स ही तो बहुत ही सेट क्वेश्चन रहते हैं कि आप वैदिक और क्लासिकल संस्कृत में डिफ्रेंशिएट कीजिए, कीजिए वो कीजिए, तो उसमें तो आप आराम से लिख सकते हैं बना बना प्रिपेयर करके। जो फिलोसफी के हैं वो भी क्वेश्चंस आप इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स तो रहते नहीं है, जो टेक्निकल टर्म्स है उसको ही आप इंग्लिश में लिख दीजिए। मतलब जैसे बुद्धिज्म में क्या है, अनेकांतवाद है, जैनिज्म में, तो ये सब आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है टेक्निकल टर्म्स के। ये अनेकांतवाद को आप ANEKANT ऐसे कर, VAD ऐसे करके अनेकांतवाद लिख सकते हैं आराम से, बिल्कुल कोई इशू नहीं। सुरेंद्र जी ने पूछा है, इज इट कॉमन टू एवरी वन दैट फर्स्ट वी फेस्ड हार्डशिप इन कन्वर्जन? यस, ट्रांसलेशन की बात करें, यस बिल्कुल, शुरू शुरू में सबको प्रॉब्लम आती है, शुरू शुरू में सब पहले अपने हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं संस्कृत में, फिर लिखते हैं। बट जैसे जैसे आप लिखेंगे आपकी स्पीड बढ़ते रहेगी। तो मैंने तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मेरी जो संस्कृत लिखने की स्पीड है, इट्स ऑलमोस्ट एज फास्ट एज आई राइट इंग्लिश और हिंदी। तो मैं UPSC के पेपर में भी एकदम फास्ट ही लिखता हूँ संस्कृत, तो वो आपको लिखते लिखते ही आएगा। बट मैं बोल नहीं सकता हूँ संस्कृत इतना फास्ट, क्योंकि मुझे बोलने की प्रैक्टिस नहीं, मेरे साथ कोई और है नहीं ना बात करने के लिए। एक सेकेंड, कॉमन फॉर, ठीक है। मनीष जी ने पूछा है, संस्कृत ऐसे के लिए कोई बुक रिकमेंड करना सर? संस्कृत ऐसे के लिए, देखिए ये तो सेट टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे वर्ण आश्रम व्यवस्था ऐसे ऐसे करके, तो इसके लिए आपको कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, इंटरनेट रेफर कर सकते हैं। एक संस्कृत एसेज की बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। मैंने तो एक अमेजोन से भी एक एसेज की बुक मंगाई थी, फिर एक आध आपको बुक स्टोर पे अगर कुछ मिल गया कि भारतीय संस्कृति के ऊपर, जिसमें थोड़ा बहुत वर्ण आश्रम व्यवस्था के ऊपर है, तो वो भी आप ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रैक्टिस, एक तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, उसमें आपके अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस होना चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा संस्कृत रीड करेंगे, आप
आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ेगी, आप ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जो मैंने आपको बताया आधुनिक संस्कृत अनुवाद वो सब आप करेंगे, तो आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आपकी लैंग्वेज अगर आपने सीख लिया तो अनसीन पैसेज आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं ट्रांसलेट करता था, मैं हर दिन लिखता था, जो संस्कृत के टेक्स्ट है मैं ओरिजिनल उसको संस्कृत में पढ़, जैसे पंचतंत्र बहुत ही अच्छा लगता था मुझे पढ़ना, तो मैं संस्कृत में ही पढ़ता था पंचतंत्र। और पंचतंत्र इतनी सरल, इतनी अच्छी भाषा में लिखा है ना, उससे आपकी संस्कृत भी इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो संस्कृत पंचतंत्र लिखा ही इसलिए गया था कि स्टूडेंट्स को वो पढ़ा सके नीति शास्त्र के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। तो बहुत ही जो चार प्रिंसेस थे ना, उनको सिखा रहे थे विष्णु शरण जी। तो पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा था, उसकी संस्कृत बहुत ही मतलब हार्ड नहीं है, ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है, आप उसको पढ़ पढ़ के सीख सकते हैं कि क्या वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं संस्कृत में, ये सब इस तरह से करके। एक और क्वेश्चन है सर, संस्कृत के आज तक के प्रीवियस ईयर्स कहाँ से आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे? बिल्कुल, ये तो UPSC की वेबसाइट पर सारे अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरे ख्याल से कोच जो दिल्ली में कोचिंग के जेरोक्स बुक स्टोर से, वहाँ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं बिल्कुल।